जौनपुर के नेवठिया थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग झुलस गए। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, बाकी 5 लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हरसिंहपुर में एक महिला शीला देवी के यहाँ काम चल रहा था, तभी अचानक बारिश हो गई। मौसम खराब होने की वजह से लोग छज्जे के नीचे छिप गए, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी। 38 साल की सुनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी घायलों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद निवड़िया के SO मौके पर पहुंचे। मृतक सुनीता देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल एवं कानूनगो मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सरकारी आपदा राशि दिलाने का आश्वासन दिया। है ना सर जी, वो वहाँ उसका सरकारी कॉलोनी आया था जी, तो वहीं मिट्टी गिरा रही थी जी, ट्रैक्टर से मिट्टी गिर रहा था, अचानक बारिश आया जी, और जब बारिश आया तो उसका 2 कमरा उसके बड़े जेठ का है जी जी, तो वो लोग सब लोग चले गए उसी कमरे में, और कमरे में बारजा लगा हुआ है, बारजा के छत के नीचे खड़े हो गए बारिश को देखते जी। इसके बाद जो है बारिश तेजी से आया और बादल गरजा, अचानक बिजली आ गई आई और मारी, और चारों चार जगह जो है तितर बितर होकर के गिर गए। आनन फानन में हम लोग भी दौड़े, पड़ोसी हैं, जब दौड़ के वहाँ जो है देखे तो सब उठा पटा के हॉस्पिटल प्राइवेट ले गए जी। वहाँ जो है डॉक्टर साहब ने जन्म को तो मृत घोषित कर दिया। तो क्या नाम था मृतक का? सुनीता देवी। अच्छा, इनकी उम्र क्या रही होगी? इनकी उम्र 38 साल। तो और बाकी घायलों की क्या हालत है? घायलों की हालत अभी नाजुक है, कहा नहीं जा सकता, मतलब सारे लोग का इलाज चल रहा है, इलाज प्राइवेट। तो कुल कितने लोगों को बिजली के चपेट में से? वो जो 2 लोग तो जो भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, उसमें से 1 का 2 बच्चे हैं, पति स्वर्गवास हो गया है। हाँ हाँ। उन बच्चों को भी हल्का फुल्का चोटें आई जी, जी। लेकिन उनको न देखते हुए जो गंभीर था, सारे जो गांव के लोग थे उनको लेके दौड़ने लगे अचानक, और वहाँ जा करके डॉक्टर साहब ने मृत घोषित। CEN News, जिला संवाददाता रोहित चौबे।